हमने ये जर्नी शुरू किया, ये फिट एट 50 प्लस वीमेंस ट्रांस हिमालय एक्सपेडिशन पांगसू पास से हमने शुरू किया और ये इसका समापन होगा द्रास में टाइगर हिल में लगभग। अब जैसे हमने बताया कि ये टीम में सारे लोग 50 प्लस हैं, 50 से ऊपर के हैं, 68 मैं और वासुमती हम लोग 68 हैं और करीब आधा लोग 60 से ऊपर हैं। तो ये मैसेज साफ ये होता है कि जब ये लोग इतने 5000 किलोमीटर लगभग और डेली हम लोग 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अगर एक महिला फिट है, एक जो फिट है तो पूरा एक फैमिली फिट है, फैमिली फिट है तो समाज फिट है, समाज फिट है तो पूरा देश फिट है। मैडम आपने जब एडवेंचर शुरू किया था तब तो क्या माहौल था, आज का माहौल क्या है, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? ऑफकोर्स यस, बिल्कुल बहुत परिवर्तन है। और मेरे टाइम पर तो ये कोई जागरूकता बिल्कुल भी नहीं थी कि माउंटेन क्यों क्लाइंब करना चाहिए, सिर्फ उसमें रिस्क लोगों को दिखता था, हार्डशिप दिखता था एंड ऑल। और लड़कियों के लिए तो उस समय बहुत ही मुश्किल था और एक छोटे से गांव से निकलना तो एक बहुत ही बड़ी एक चुनौती थी, वो माइंडसेट से बाहर निकलना। अभी हाँ, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से अभी हम लोग हमारे नेविगेटर हैं चेतना साहू कहाँ जा रहे हैं और मेजर बलजिंदर जी बताएंगे। हाउ इंडियन आर्मी हेल्प, सॉरी हाउ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी तो हमारी एक लाइफ लाइन बोल सकती हूँ मैं, इसके आगे क्या बोलूँ, ऑल सपोर्ट एंड ऑल। अब मेजर साहब हमको साथ में चल रहे हैं, ये गाड़ी हमारे साथ में चल रही है और हमारे जो भी लगेज हैं वो आर्मी ने सपोर्ट हमको प्रोवाइड किया है। तो उनके सपोर्ट के बगैर मैं कह सकती हूँ कि ये जो अभी तक का जर्नी और आगे भी शायद होगा तो ये असंभव था। कोई दिक्कत हुई मैडम? नो नॉट एट ऑल, छोटे मोटे जो सबका ये जर्नी का जो है, पैदल चलना है, गर्मी में चलना है और वो रोड में चलना है तो उससे तो बहुत बहुत परेशानी है, इसीलिए ये एक्सपीडिशन यूनिक है, नहीं तो हर कोई चले। और तो बस ये एक अल्टीमेट ह्यूमन एंड्योरेंस है, मेंटली एंड फिजिकली लगातार चल रहे हैं हम लोग। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कोई मैसेज मैम? उनसे हमको बहुत भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग मिला और सबके पास ये सब बहुत पहले से हमारे पास करीब इतने एक खुशियों की एक बैग भरी हुई है और हम हमेशा ये लटका के जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हमारे गले में ये देखते हैं तो और भी लोग जो रोड में चल रहे होते हैं तो वो आते हैं और हमको कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, कोई जूस देते हैं, कोई बिस्किट्स देते हैं, इस तरह से लोग जुड़ते जुड़ते आ रहे हैं और ये तो हमारे ज़िंदगी का बहुत ही कभी नहीं भूलने वाले पल हमने अरुणाचल एंड आसाम में हमने पहले दफे यहाँ पर आई हूँ मैडम, ऐसे नहीं आई, ऐसे नहीं लेकिन वैसे आई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और फिर थी वहाँ से ये बड़े बड़े ड्रीम करना और एवरेस्ट करना, ये बहुत ही बड़ा कठिन यात्रा था मेरे लिए। गांव से वो जो माइंडसेट है वहाँ पे, लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, लड़कियाँ तो पहला तो हायर एजुकेशन लेना मेरा पहला एवरेस्ट था और उसके बाद किसी तरीके से एवरेस्ट के लिए मेरा रास्ता बनता गया। और बहुत मुश्किल हुआ लेकिन जब बीच में टाटा से जॉब ऑफर मिला तो उससे लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ है, ये स्पोर्ट कुछ है, इसका कुछ फ्यूचर है इस तरीके से। और फिर जब एवरेस्ट क्लाइंब हुआ 1984 में, लेकिन ये था कि इसके पीछे बहुत आगे एक फोकस है ना, एक बार गोल बना दिया आप फोकस रहिए, हाई कमिटमेंट लेवल। और तो आपको जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली के हाथ दिखाई दी, लोग क्या बोल रहे हैं या अगल बगल कुछ नहीं, वही वाला एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तभी उस माहौल से बाहर निकलना सकते हैं हम लोग। जब एवरेस्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ और एवरेस्ट क्लाइम हुआ, उससे पहले एक बार एवलांच में ये हो गया था। और ये सब जो भी आप यहाँ तक पहुँचते हैं, ये रास्ते में आपने किस तरह के निर्णय लिए, किस तरह के डिसीजन लिए, क्या रिस्क लिया, तभी आप एक लक्ष्य तक आप पहुँच सकते हैं। और जब एक बार एवलांच के नीचे मैं दब गई थी और उसके बाद साथियों ने, क्योंकि माउंटेनियरिंग तो टीम स्पोर्ट है, एक इंसान क्लाइम करते हैं लेकिन उसके पीछे में सबका
अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तो कभी भी नहीं सोचती हूँ कि अकेले कुछ कर सकता क्या। तो जब वाप नीचे आए और फिर कुछ लोगों को उनको वापस जाना पड़ा, कुछ लोगों का हेड इंजरी था, लेग फ्रैक्चर था, रिब ब्रोकन था, लोग वापस निकले और तब मुझे लीडर ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मैंने सोचा, मेरे माँ पिताजी लोग बचपन से कहते थे कि अगर कोई बुरा कुछ होता था कहते बुरा ग्रह टल गया है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बचपन में जो माँ बाप जो वैल्यूज देते हैं, जो सीख देते हैं, वो जिंदगी में बहुत काम आता है। और उन्होंने बहुत ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज मेरे ब्लड में था कि मेहनत करो और ईमानदारी, ये दो ही चीज़ था। मेरे माँ पिताजी बहुत गरीब थे लेकिन मैंने देखा उनको कि वो कभी भी किसी चीज़ से समझौता नहीं करते थे और वो बच्चों में जरूर आता है। और उस समय भी मैंने यही सोचा कि मेरे माँ पिताजी कहते थे कि बुरा ग्रह टल गया तो अब कुछ अच्छा होता है, तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट मेरा जो सक्सेस स्टोरी था। उसके बाद दोबारा गए क्लाइम किया एंड लेकिन क्लाइम करने के बाद हमेशा दिमाग में यही था कि अब व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि मैं हमेशा ये सोच के मैं क्लाइम कर सकती हूँ तो दूसरी लड़कियाँ भी कर सकते हैं। ये एक सवाल है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। करीब जो मेल सक्सेसफुल एक्सपेडिशन था वो 1965 में था। उसके बाद सोचिए अब हम 20 साल लगभग 20 साल पीछे, वो भी उस समय इंदिरा जी थी तो वो चाहती थी कि महिलाओं को भी ये मौका मिले और ये पूरा स्पॉन्सर्ड था इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके बाद फिर लगातार वो चलता गया, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन हुआ, मुझे फुल्ली एम्पावर किया गया। जब आपको एम्पावर करता है तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर होता है, जब डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरा अपर मोस्ट इन माइंड ये था कि मुझे जितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में वो दूसरे लड़कियों को नहीं होना चाहिए, मेरी कोशिश यही होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेडिशन एक के बाद एक, ट्रांस हिमालय जो ये बता रहे हैं पूरा 7 महीने का पहला कम्प्लीट ट्रैवल्स था वो। उसके बाद गंगा में हमने किया था हरिद्वार टू कोलकाता 16 महिलाओं और एक कैमल सफारी, ये सारे कुछ किए और कहीं ना कहीं ये सब लोग उस जर्नी के हिस्सा रहे हैं। और ये जो फिट इंडिया ये वाला जो था, ये मैं अभी 65 में जब रिटायर होने वाले थे टाटा स्टील से, मुझे 5 ईयर का एक्सटेंशन मिला था टाटा स्टील में। और तब इसका बहुत ही एक टॉकिंग पॉइंट था इसका फिट इंडिया की, अब एक फिट इंडिया कुछ ऐसा लॉन्च होने वाला है जो तो 2019 में हुआ। 2019 में मैं रिटायर हुई लेकिन उससे पहले दिमाग में ये था कि अब मुझे ये वाला एक फिट इंडिया के बैनर में ये कुछ ऐसा एक अल्टीमेट इंड्योरेंस वाला कुछ करना है और उन लोगों के लिए करना है जो लोगों को सोचते हैं कि ये तो अनफिट है, वो महिलाएँ हैं या जो भी है, और आफ्टर 50-60 के बाद। क्योंकि मैंने सोचा मैं तो फिट हूँ, एक के बाद एक मैंने टाटा स्टील में एक्सपेडिशन लीड किए हैं। तो फिर सब लोगों से किसी तरीके से कॉन्टेक्ट हुआ, आप देखा कि सब लोग अपने अपने जगह में बहुत कुछ कर रहे थे, एक्टिव थे, इनके भी सपने थे कि कुछ लगातार करने का, तो सब जुड़े और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और ये फिट इंडिया के बैनर में हम लोगों ने ये शुरुआत की। और ये लोग बहुत ही ब्रेव टीम है, छाले पड़े हैं। शुरू के दिन तो बहुत था, ये रोड में चलना बहुत मुश्किल है, पहाड़ में चलना उतना नहीं है जितना, और कभी किसी के घुटने में प्रॉब्लम है किसी का। और ये हम करीब 4 बजे चलते हैं, हम लोग जर्नी शुरू करते हैं। तो एक ट्रक में कुछ था, कुछ शायद सामान कुछ इसके हाथ में वो टकरा के निकल गया, तो हल्का सा फ्रैक्चर है शुरुआत के टाइम पर। तो मुश्किलें हैं लेकिन सब लोग फोकस्ड हैं, जो गोल बनाया है लगभग 4,700 किलोमीटर का, एंड हर दिन बहुत मुश्किलें होती है लेकिन कोई गिव अप नहीं करता है। और सबको यही बोलना चाहते हैं कि 50-60 साल के बाद भी हम लोग बहुत नए सिरे से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं और फिटनेस एक दिनचर्या का एक हिस्सा जरूर होना चाहिए। वाकई में आपके पास कुछ भी नहीं है, जो भी है जिंदगी बहुत हसीन है और बहुत ही सुंदर है, अगर आप फिट है तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण का तो एग्जाम्पल है ही है सब लोग। थैंक यू।